प्रकाश के अपवर्तन के आधार पर, प्रकाश के सिद्धांत के अनुसार, हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। अच्छा, आप अपवर्तन पढ़े होंगे। अपवर्तन जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, तो इस घटना का प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके भी दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा होता है कि एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है, यानी यन के बराबर होता है। ये दोनों आपको प्रूव करके दिखाने। देखिए कितना अच्छा मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप कभी नहीं भूलेंगे। ये हमारे पास एक पृष्ठ है। कहाँ है? पृष्ठ। हमारे पास दो तरंगे जा रही है इस तरीके से, समतल तरंगे हैं, समझ रहे बात को? और यहाँ पर आप एक तरंगाग्र खींचेंगे। क्या खींचिए? जब तरंगों के ऊपर एक पृष्ठ खींचा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तरंगाग्र। उसे हम लोग तरंगा। अब बताइए, ये तरंगे जब तक यहाँ पर जाएगा, ये तरंगे आगे निकल गई होगी ना, इस तरीके से देखिए ध्यान से। ये तरंगे जब यहाँ तक जाएगा तो तरंगे कहाँ निकल जाएगी? आगे। चलिए तो ये तरंगों को अब लिया करके आप मिला दीजिए, ठीक है? और इन तरंगों को लिया कर इससे मिला दीजिए। मिला दिया तो देखिए यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर जो कोण बनेगा वह कोण 90 डिग्री का बनेगा, और यहाँ पर भी जो कोण बनेगा 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है? सुनो, अब सुनो, यहाँ पर जो कोण बनेगा तो आपतित है, आई लिखिएगा, और ये बाहर निकल गया है, इसको आर लिखिएगा। बात समझ रहे हो? देखो मान लो ये वायु है तो ये आपका क्या होगा? कांच होगा। मान लो माने माध्यम तो अलग अलग रहेंगे ना। अच्छा, इसको ये मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो, ठीक है? अच्छा बताओ, इसमें वेग अगर इस तरंगे चले वी वन वेग से, तीन तरंगों का वेग क्या होगा? वी टू होगा ना। क्या होगा? वी टू। अच्छा आप पढ़े होंगे इधर कहीं किनारे रहते, दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो पहला के लिए चाल तो वी वन है, समय टी मान लो, तो दूरी कितना तय करेगा? ये दूरी कितना तय किया है? वी वन टी। ये भी तो दूरी तय करेगा, जितना देर में ये आया उतना देर नीचे आ गया, तो वी टू टी आ गया, वी टू टी आ गया, फिगर आपका कंप्लीट हो गया। तो देखिए एक बार आप लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज किस में? देखो पहले आपको समझा देते हैं, आप उसी पर लगा लेंगे। पहले आप त्रिभुज ए डी सी में लेंगे, और आप जानते होंगे कि साइन आई और साइन आर होता होना चाहिए, तो आप साइन आई लेंगे तो साइन आई बराबर क्या होता है? लंब। आई है सामने वाला लंब होगा ना, तो लंब बटा क्या होता है? कर्ण। तो लंब हो जाएगा वी वन टी, या कर्ण हो जाएगा ए सी। 90 के सामने वाला कर्ण होता है, पढ़े भी थे। अभी आप साइन आर लेंगे तो लंब हो जाएगा वी टू टी, और कर्ण हो जाएगा ए सी। और दोनों समीकरण साफ हल करेंगे तो आ जाएगा। देखिए अब लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी ए में, और लिखेंगे साइन आई बराबर लंब का हो जाएगा, आई है दबा तो लंब का हो जाएगा सी डी, और कर्ण का हो जाएगा ए सी। इसलिए या साइन आई बराबर सी डी का मान तो दिया है वी वन टी, और ए सी ओ सही लिख लो, समीकरण नंबर एक मान। इधर समझ में आया? बोलो समझ में ना। बस साइन आई लो, आई है तो लंब, साइन में पढ़े तो होंगे लंब बटा कर्ण, लंब सामने वाला वी वन टी, और कर्ण ए सी तो ए सी होगा। अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, तो साइन आर ले लो तो लंब ए वाला हिस्सा होगा ए बी, कर्ण ए वाला हिस्सा होगा ए सी, साइन आर बराबर ए बी का मान वी टू टी, और ए सी का मान ए सी है तो ए सी, समीकरण नंबर दो हो जाए। अब आप लिखिएगा समीकरण एक में समीकरण दो से भाग देने पर, क्योंकि साइन आई बटा साइन आर होता है ना। तो अब लिखेंगे समीकरण एक में समीकरण दो से भाग देने पर, दो तो साइन आई बटा साइन आर बराबर आई क्या है? देखो ये वाला है समीकरण एक में वी वन टी बटा में ए सी, पूरा का बटा में आई दिखाएगा वी टू टी,
बटा में एसी। अब कुछ कटेगा, ये एसी से एसी कट गया, हमारे पास बच गया साइन आई बटा में साइन आर बराबर वी वन टी बटा में वी टू टी। और देखो टी से टी कैंसिल, साइन आई बटा में साइन आर बराबर वी वन बटा वी टू। अब पढ़े ना एक सूत्र और आपको यहाँ पर बता देते हैं, एन बराबर सी बटा वी होता है, पढ़े है ना, उल्टा होता है, क्या होता है, जो एन और वी में आप देखिए उल्टा होता है, तो इसका मतलब हुआ कि साइन आई बटा साइन आर ये उल्टा हो जाएगा। अभी मैं एन टू ऊपर हो जाएगी जब वी हटा ली था, एन वन कहाँ हो जाए नीचे, और साइन आई बटा साइन आर बराबर एन टू बटा एन वन, जब एन लिखते हैं ना, एन लिखते हैं ना, तो देखो ये आ गया। तो ये देखो प्रकाश के अपवर्तन का तृतीय नियम होता है ना, तो लिख लेना यह अपवर्तन का, यह प्रकाश के अपवर्तन का द्वितीय नियम का पुष्टि करता है, द्वितीय नियम का पुष्टि करता है, ठीक है, पहला। दूसरा दूसरा हम आप चित्र में देख सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में है ना, दूसरा लिख देना तथा आपतित किरण अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में है, यह प्रकाश के अपवर्तन का प्रथम नियम का पुष्टि करता है, इस प्रकार हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की अपवर्तन की व्याख्या हो जाती है।